हम कक्षा 12वीं में इतिहास के अंतर्गत अध्याय 12 औपनिवेशिक शहर और नगरीकरण, नगर योजना और स्थापत्य के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि 19वीं सदी के मध्य तक जो है कस्बे जो है बड़े शहर बनने लगे थे और साथ ही साथ यहाँ पर शासक पूरे देश में नियंत्रण करने लगे थे। इस तरह से शासक के प्रभुत्व को दर्शाने के लिए हम संस्थाओं की स्थापना की गई, जिसमें कि अनुभव किया गया मद्रास, बम्बे, कलकत्ता के नक्शे जो हैं अन्य पुराने भारतीय नक्शों से काफ़ी हद तक अलग थे। इस तरह से इन महाशहरों में औपनिवेशिक उद्भव हुआ और साथ ही साथ यहाँ पर स्थापत्य कला का जाहिर कर सकता था कि इतिहास के छात्र छात्राओं के सवाल पर जरूर सोचना चाहिए। हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो पत्थर, ईंट, लकड़ी या प्लास्टर के माध्यम से जो आकार देने में सहायक होता है वह सरकारी अधिकारी बंगले जो हैं वह बंगले और अमीर व्यापारी महलनुमा आवास में रहते थे और जो श्रमिक जो था वह साधारण झोपड़ी और भवन के सामाजिक संबंधों की पहचान इस तरह से हम परिरक्षित कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे पूर्व में औपनिवेशिक काल में कस्बे और शहर किस प्रकार से। इससे पहले कि हम औपनिवेशिक शहर के काल शहर को अन्वेषण करें उसके साथ साथ जो ब्रिटिश शासन में पहले जो शताब्दियों में शहरों में नजर डालनी होगी, जैसे कस्बों को उनका चरित्र कैसे मिला। कस्बे जो थे ग्रामीण इलाकों के विपरीत परिभाषित किया गया है जो कि आर्थिक गतिविधियों और सांस्कृतिक प्रतिनिधि बन गए थे। फिर ग्रामीण अंचलों में खेती, जंगलों, संग्रहण, पशुपालन और इस तरह से वे अपना जीवन निर्वाह करते थे। इसके विपरीत कस्बों में जो थे वे शिल्पकार, व्यापारी, प्रशासक और शासक रहते थे। इस तरह कस्बों में ग्रामीण जनता का प्रभुत्व होता था और वह खेती करते थे और अक्सर जो है कस्बों और शहरों की किलेबंदी की जाती थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से इनको पृथक चिन्हित किया जाता था। फिर कस्बों और गांवों के बीच जो पृथकता जो थी वह अनिश्चित होती थी क्योंकि इनकी दूरियां जो लंबी होती थी और साथ ही साथ अकाल के समय कस्बों में वे जमा हो जाते थे और इसके अतिरिक्त जो लोगों के माल जो होता था वह कस्बों गाँव की ओर विपरीत गमन करने लगता था। फिर यहाँ जब कस्बों पर आक्रमण होते थे तो यहाँ पर ग्रामीण जो थे ग्रामीण क्षेत्रों में शरण लेते थे और व्यापारी और फेरी वाले कस्बों के माल को गांव ले जाकर भी बेचते थे। इस तरह से बाजारों का फैलाव, उपभोग की नई शैलियों का भी सृजन होता था। फिर 16वीं तथा 17वीं शताब्दियों में मुगलों द्वारा बनाए गए शहर की जनसंख्या जो थी वह केंद्रीकरण, विशाल भवनों और अपनी शाही शोभा की समृद्धि के लिए वे प्रसिद्ध थे। अब ये शाही प्रशासन कहाँ कहाँ था। आगरा, दिल्ली, लाहौर यहाँ पर शाही प्रशासन था जहाँ पर सत्ता के महत्वपूर्ण केंद्र थे। यहाँ पर मनसबदार, जागीरदार जिन्हें साम्राज्य के अलग अलग भागों के क्षेत्र में दिए गए थे, साथ ही साथ वे शहरों आवास में ये रहते थे। ये जो है आवास एक अमीर की स्थिति और प्रतिष्ठा के संकेतक थे। फिर 18वीं शताब्दी में परिवर्तन। जब 18वीं शताब्दी आया तो वहाँ भी 18वीं शताब्दी परिवर्तन, उस समय शताब्दी परिवर्तन होने लगा था। जो पुराने नगर थे वे पतन की ओर उन्मुख पतन होने लगे थे और नए नगरों का विकास होने लगा था और नगरों का अवसान भी हो गया था, मतलब पतन भी हो गया था। जैसे कि मुख्य मुगल राजधानियां दिल्ली और आगरा में अपना राजनीतिक जो प्रभुत्व था वह हो चुका था और क्षेत्रीय राजधानियां जो थी लखनऊ, हैदराबाद, सेरिंगपट्टनम, पूना, नागपुर, बड़ौदा, तंजौर आदि ये थे, ये महात्म्य परिलक्षित भी हुआ था। और साथ ही साथ व्यापारी, प्रशासक, शिल्पकार, अन्य लोग भी पुराने मुगल केंद्रों में नई राजधानियों की ओर अपना काम करने लगे थे और संरक्षण की तलाश में भी आगे बढ़ने लगे थे। इस तरह से भाड़े के सैनिक भी यहाँ तैयार हो जाते थे और उन्हें इस तरह से रोजगार भी प्राप्त हो जाता था। फिर औपनिवेशिक शहरों की पड़ताल, हम इनका पड़ताल कैसे कर सकते हैं। तो औपनिवेशिक रिकॉर्ड जो थे वे शहरी इतिहास, औपनिवेशिक शासन में बेहिसाब आंकड़े जो जानकारियों को संग्रह उस समय किया गया था, जो आंकड़े थे जानकारियां थी उनको एकत्रित किया गया था। अंग्रेजों ने व्यावसायिक मामलों को चलाने, मतलब व्यवसाय करने के लिए वे आंकड़े एकत्रित किए थे। व्यापारिक गतिविधियों का ब्यौरा भी वे रखते थे। साथ ही साथ शहरी जीवन में गति दिशा जो थी वह नियमित रूप से सर्वेक्षण करते थे और आंकड़े भी इकट्ठे रिपोर्टों में भी वे प्रकाशित करते थे। फिर बदलाव के रुझान,
बदलाव के रुझान जो थे, मतलब किस तरह से शहरी क्षेत्रों में वह बदलाव आया, जैसे अपरिवर्तनशीलता के नीचे शहरी विकास के रुझानों को लेखनी उतार चढ़ाव भी छिपे हुए हैं, क्योंकि छोटे कस्बे जो थे वे आर्थिक विकास के रूप से विकसित होने से ज़्यादा मौके नहीं थे। और दूसरी तरफ जो है कलकत्ता है, मुंबई है, मद्रास है, तेजी से यहाँ पर विकास होने लगे थे, बड़े बड़े शहर ये बन गए थे। फिर व्यावसायिक और प्रशासनिक केंद्रों के रूप में भी इन तीन शहरों को पनपने के साथ साथ एक दूसरे को तत्कालिक शहर कमजोर भी पड़ते जा रहे थे, क्योंकि इनकी विकास जो है एक दूसरे के मुकाबले में उन्नति जब कर रहे थे तो मुकाबला भी हो रहा था। फिर औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के केंद्र होने के नाते ये शहर जो थे सूती कपड़े जैसे निर्यात उत्पादों के लिए संग्रह डिपो भी बन गए थे। इंग्लैंड ने जब औद्योगिक क्रांति के बाद यहाँ प्रवाह की दिशा जब बदल गई थी तो उस समय ब्रिटेन के जो कारखाने बनी चीज़ें उतरने लगी थी तो भारत में तैयार माल की बजाय कच्चे माल का निर्यात होने लगा था, क्योंकि भारत में जो कच्चा माल था वह इंग्लैंड जाता था, वहाँ से तैयार होकर माल जो है यहाँ पर आता था। तो इस तरह से आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप भी ऐसा था कि जो औपनिवेशिक शहरों को देश के परंपरागत शहरों और कस्बों में बिल्कुल अलग लाकर खड़ा कर दिया था। फिर 1853 में जब रेल की शुरुआत हुई तो इससे शहरों की काया पलट कर दी, क्योंकि आवागमन का साधन होने के कारण यहाँ पर केंद्र में जो परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा था, क्योंकि पुराने मार्गों, नदियों और समीप जो थे वे एकदम उलट हो गए थे, क्योंकि रेलवे स्टेशन के माध्यम से कच्चा माल जो है संग्रह किया जाता था केंद्र में, आयातित वस्तुओं का वितरण भी केंद्र बिंदु जो है वह रेलवे प्लेटफॉर्म जो था वह बन गया था। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं गंगा के किनारे स्थित मिर्जापुर दक्खन से कपास तथा सूती वस्तुओं का संग्रह का केंद्र था, जो बम्बई तक जाने वाली रेलवे लाइन के अस्तित्व में आने के बाद उसकी पहचान जो है वह खोने लगी थी, क्योंकि सारे आयात निर्यात के कार्य जो है रेलवे लाइन के माध्यम से होने लगा था। इस तरह से वर्कशॉप, रेलवे कॉलोनियाँ भी रेलवे के किनारे किनारे ये बनने लगी थी। फिर देखेंगे नए शहर कैसे थे, बंदरगाह, किले और सेवाओं के केंद्र। 18वीं सदी तक मद्रास, कलकत्ता, मुंबई महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गए थे और जो यहाँ आबादियाँ जो बसी हुई थी उनका संग्रह करने के लिए भी काफ़ी उपयोगी था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने कारखाने बनाए थे जो वाणिज्यिक कार्यालय थे। इन्हीं बस्तियों के माध्यम से यूरोपीय जो कंपनियाँ थीं उनकी प्रतिस्पर्धा के कारण भी सुरक्षा के उद्देश्य से भी बस्तियों की किलेबंदी भी कर दी गई थी। फिर फोर्ट थे, ये इलाके ब्रिटिश की आबादी के रूप में माने जाते थे। यूरोपीय व्यापारियों के साथ साथ जो लेन देन चलाने वाले जो भारतीय व्यापारी थे, कारीगर थे, कामगार थे, इन किलों के बाहर जो अलग से बस्तियों में रहते थे। फिर यूरोपीय भारतीयों के लिए भी शुरू से ही अलग अलग क्वार्टर बनाए गए थे। उस समय लेखन में उन्हें व्हाइट हाउस कहा जाता था। व्हाइट हाउस में जो थे यूरोपीय लोग रहते थे और जो ब्लैक हाउस था उसमें भारतीय लोग रहते थे। इस तरह से अलग अलग कॉलोनियाँ उनके लिए बनाई गई थी। 19वीं सदी के मध्य जब रेलवे प्लेटफॉर्म फैलता गया तो इससे भारत से उसे जोड़ दिया गया था, जो बाकी भारत था उससे भी जोड़ दिया था। साथ ही साथ कच्चा माल और मजदूर वहाँ आते थे, देहाती दूरदराज इलाके से आते थे। इस तरह से रेल के जुड़ जाने के कारण यहाँ पर जो कारखाने थे, श्रमों की यहाँ कमी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर सस्ते श्रम आसानी से मिल जाते थे। फिर 1850 के दशक के बाद भारतीय व्यापारी और उद्यमों में बम्बई की सूती कपड़ा मिलें लगाई गई, जिससे कि कलकत्ता के बाहरी इलाकों में यूरोपीय स्वामित्व वाली जूट मिलें खोली गई थी, जिससे कि भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास की शुरुआत हुई थी। ये ध्यान रखिएगा, 1850 के बाद औद्योगिक विकास जो था वह प्रारंभ हुआ था। फिर एक नया शहरी परिवेश, जो एक नया शहरी परिवेश था वह किस तरह से प्रारंभ हुआ। औपनिवेशिक जो शहर थे वे नए शासकों के वाणिज्य और संस्कृति के प्रतिबिंब बनते जा रहे थे, मतलब जैसा हमारा विकास होगा, जैसा हमारा शासक होगा वह एक प्रतिबिंब के रूप में हम देखते हैं। फिर राजनीतिक सत्ता संरक्षण भारतीय शासकों के स्थान पर
ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों के हाथ में जाने लगा था, जिससे कि दुभाषीय बिचौलिए जो दोनों भाषा जानते थे, अंग्रेजी और हिंदी या दूसरी भाषा, और फिर व्यापारी माल आपूर्तिकर्ता के रूप में काम करने लगे थे। इस तरह से शहरों में एक महत्वपूर्ण स्थान था। नदी या समुद्र के किनारे जो गतिविधियाँ होती थी वह गोदियों और घाटियों का भी विकास वहाँ पर हुआ। समुद्र जब अमीर भारतीय एजेंट जो थे, बिचौलिए जो थे, बाजार जो थे वहाँ आसपास ब्लैक में टाउन के परंपरागत ढंग से वहाँ पर मकान बनवाए। उन्होंने भविष्य में पैसा लगाने के उससे वहाँ पर बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीदी ताकि भविष्य में उसे बेच कर उससे मुनाफा कमा सकें। फिर 19वीं सदी के मध्य में औपनिवेशिक शहर का स्वरूप जो था वह धीरे धीरे बदलने लगा था और 1857 के विद्रोह के भारत में अंग्रेजों का रवैया जो है विद्रोह की लगातार आशंका जो है वह तय होने लगी थी और साथ ही साथ अच्छी तरह से हिफाजत करना जरूरी था। इसलिए अंग्रेजों को देशियों के खतरे से दूर ज़्यादा सुरक्षित पृथक बस्तियों में रहना आवश्यक हो गया था। इसके साथ साथ उन्होंने जो था सिविल लाइन भी बनाए थे। सिविल लाइंस जो थे वहाँ पर सिर्फ जो अंग्रेजी अधिकारी जो होते थे वह सिर्फ उनको ही बसाया गया था और साथ ही साथ छावनियों के रूप में उनके स्थानों को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह से स्थान विकसित किया गया था। फिर पहला हिल स्टेशन, छावनियों की तरह ही हिल स्टेशन भी बनाए जाते थे क्योंकि नीचे निचली जो मैदानी जो जगह होती थी वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती थी और हिल स्टेशन में जो होता था वहाँ पर का वातावरण जो है ठंडा होता था। इस तरह से उन्होंने क्या किया, हिल स्टेशन बनाए, जैसे कि शिमला है वर्तमान में, शिमला की उससे स्थापना हुई। यहाँ पर गोरखा युद्ध के दौरान अंग्रेज मराठा के युद्ध के कारण अंग्रेजों की दिलचस्पी जो थी माउंट आबू और दार्जिलिंग की ओर वे बढ़ गए थे और चौकसी करने के लिए, दुश्मनों के खिलाफ हमला बोलने के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान थे। लेकिन बहुत सारे सामाजिक बदलाव और स्वाभाविक रूप से ये आसानी से नहीं रहे क्योंकि यहाँ पर शहरों में औरतों के लिए भी नए अवसर आने लगे थे। साथ ही साथ पत्र पत्रिकाओं आत्मकथाओं के माध्यम से भी जो मध्यम वर्गीय परिवार की जो महिलाएं थीं वे भी यहाँ पर प्रयास करने लगी थी, लेकिन परंपरागत प्रतिष्ठात्मक फायदे के कारण भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी थी असंतोषिकित्से जो थी वह असंतोष होने लगा था। यहाँ पर रूढ़िवादियों के भय के कारण भी औरतों को पढ़ लिख गई थी और वे दुनिया के उलट कर रख देंगी, यह सोचकर सामाजिक व्यवस्था की जो थी वह भी खतरे में पड़ सकती है। यह सामाजिक जो वहाँ के लोग थे उनका यह भय होने लगा था क्योंकि यदि महिलाएं बाहर जाएंगी तो यह जो है पूरी समाज की काया पलट हो सकती है। फिर शहरों में मेहनत कर और गरीबी कामगारों की एक नया ही वर्ग उभर कर आया था। जो ग्रामीण इलाकों में जो गरीब और रोजगार की उम्मीदें जो थी वह शहरों की तरफ भाग रहे थे, रोजगार के लिए वह शहरों की तरफ जा रहे थे। साथ ही साथ इन नए अवसरों के स्रोत भी वहाँ दिखाई दे रहे थे क्योंकि शहर जिस तरह से विकास हो रहा था वहाँ पर नए नए उद्योग लग रहे थे, औद्योगिक विकास हो रहे थे, इस तरह से लोग उस तरफ आकर्षित हो रहे थे। साथ ही साथ एक भिन्न जीवन शैली भी आकर्षण की ओर खींच रहा था क्योंकि सारी सुविधाएं तो थीं, साथ ही साथ यह भी देखी जा रही थी उनके जो वहाँ पर रहने के लिए खाने का खर्चा अधिक था, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति जो है परिवार को छोड़कर वह शहर की ओर आने लगे थे, जबकि शहर की एक जिंदगी जो थी वह संघर्षपूर्ण थी।